Hello everyone, welcome to another session on the chapter servers, in which we are doing the last topic of this chapter, objective 4.8. We will be able to solve questions based on the concept of cyclic quadrilaterals. Now, it is a very interesting topic. There is a special type of quadrilateral. Quadrilateral matlab koi bhi shape jisme char side hota hai. Now, if you look at this triangle, if you look at this circle, इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इस क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टिसेस वर्टिस ए बी सी डी ऑल द फोर कॉर्नर्स आर ऑन द सर्कल सच अ क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होते हैं दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सो यू कैन सी द डेफिनेशन रिटन ओवर हियर मेक श्योर दैट यू आर पॉजिंग द वीडियो एंड राइटिंग एवरीथिंग डाउन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक स्पेशल थ्योरम होता है एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है व्हाट इज दैट इट सेज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री क्या मतलब है इसका ऑपोजिट एंगल्स मतलब एंगल ए और एंगल सी ये सप्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री एंगल्स आर जिनका सम 180 होता है मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल How are we going to prove that? Let's quickly see. Again, इस theorem का proof आपके syllabus में है तो आपको ये लिखना पड़ेगा Arc ABC, if you can see this arc ABC, this arc is inscribing the angle D. ठीक है आपको inscribe angle याद है ना तो ये angle D के opposite जो arc है वो है ABC. Hence, the measure of angle D is half of the measure of arc ABC. मेजर ऑफ आर्क ए बी सी का मतलब है आर्क ए बी सी सेंटर में कितना एंगल दे रहा है जितना भी एंगल सेंटर में बना रहा है उसका हाफ होगा सो दिस इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी सी सिमिलरली इफ आई लुक एट एंगल बी इज इंस्क्राइब्ड बाय द आर्क ए डी सी सो एंगल बी इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क ए डी सी नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am naming this equation 1, naming this as equation number 2. I am going to add 1 and 2 together. जब मैंने 1 और 2 को add किया, I will get ADC plus ABC is half of arc ABC plus half of arc ADC. दोनों में half half common है, I can take that outside. It's arc ABC plus ADC. Now let's go back and look at the picture. ABC plus ADC, ABC plus ADC, दोनों आर्क को जब आप ज्वाइन करेंगे यू विल गेट द एंटायर सर्कल पूरा सर्कल का मेजर कितना होगा मतलब पूरा सर्कल का सेंटर पे एंगल कितना होता है इट इज 360 डिग्री दैट इज वाई ओवर हियर इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट 360 डिग्री फिर आप उसका हाफ करोगे तो 180 तो आपको एंगल D प्लस एंगल B 180 आ गया सिमिलरली यू विल राइट angle A plus angle C is also 180. So we have been able to prove the theorem on cyclic quadrilateral. Let's move ahead to see the converse. Converse matlab reverse. Reverse bolta hai ki if a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, the quadrilateral is cyclic. Pehle wale mein kya tha? Quadrilateral cyclic hai, to angle supplementary hai. Dusra bol raha hai, agar angle supplementary hai, to wo quadrilateral cyclic hai. Theek hai? Now let's move ahead to solve a question, a very simple question. Pause the video, write this question down. This is a question from practice set 3.4. We have to find four things. So question mein jo given hai uske hisab se apna diagram hum log values put karte hai. It is given that angle PRS, angle PSR is 110 degree. It is a cyclic quadrilateral. Agar ye 110 hai, दिस विल बी 180 माइनस 110 क्योंकि दोनों का सम मिला करके 180 होना चाहिए दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स 70 डिग्री अब पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू दीज टू साइड्स आर इक्वल मतलब ये जो ट्राइंगल है आपका पी आर क्यू दिस बिकम्स एन आइसोसेलिस ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए टोटल ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं 180 में 70 तो यही हो गया बाकी दो मिला करके इट शुड बी 110 एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल सो 110 का हाफ ऑफ ईच ऑफ देम इज 55 दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू फाइंड ऑल द फोर वैल्यूज विच हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर
अब हम लोग एक एक करके सोल्यूशन लिखते हैं. सो एंगल पी क्यू आर वेन आई हैव टू फाइंड इट्स सिंपली 180 माइनस 110 बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दैट वी लर्नड. नाउ एज द आर्क पी क्यू आर इज सबटेंडिंग 110 एट पॉइंट एस. ठीक है, आर्क पी क्यू आर पे जाते हैं. आर्क पी क्यू आर दिस इज गिविंग एन एंगल 110 एट एनी पॉइंट. मतलब सेंटर पे वो कितना एंगल बनाएगा? डबल. जो सेंटर पे एंगल होता है वही उसका मेजर होता है. हेंस द सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ 110 विच इज 220 बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज बीन मेंशनड ओवर हियर. सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू फॉर दी अदर्स. मैंने अभी आपको बताया वाई विल एंगल बी 55 डिग्री ईच बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द आइसोसेलिस ट्राइंगल. दिस हैज बीन रिटन ओवर हियर. एंड देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट अगेन, क्यू आर, आर्क क्यू आर अगर आप डायग्राम में अपना चेक करो, आर्क क्यू आर पॉइंट पी पे 55 बना रहा है, मतलब सेंटर पे डबल बनाएगा. सो हेंस एंगल पी आर क्यू इज 55 डिग्री. सो दीज आर द फोर दैट वी हैड टू फाइंड एंड दिस हैज बीन रिटन इज द आंसर ओवर हियर. नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. पॉज द वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चन. यू आर अगेन गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. What is important is ये जो नाम है इसका order आपको change नहीं करना है. M R P N. So ये आप order में लिखेंगे M then R then P then N. Angle R is given as 5x minus 13. Angle N is given as 4x plus 4. You have to find both the angles. क्या कर सकते हैं ऐसे angles में, ऐसे questions में? You know that sum of the opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. तो आप एंगल आर और एंगल एन को ऐड करो तो 180 आना चाहिए. आर का वैल्यू 5x माइनस 13, एन का वैल्यू 4x प्लस 4. नाउ ब्रिंग x टुगेदर, नंबर्स टुगेदर. 5x प्लस 4x इज 9x. माइनस 13 प्लस 4, माइनस 13 में 4 ऐड करोगे माइनस 9 पे पहुंचोगे. नाउ ये माइनस 9 यहाँ गया, 180 प्लस 9 बन जाएगा. देन 9 से डिवाइड करेंगे तो 189 बाई 9 इज गोइंग टू गिव यू 21. x का वैल्यू आ गया 21, बट आपको r और n फाइंड करना है. r इज 5x माइनस 13, x की जगह 21 पुट करो, सॉल्व करो, 92 आ गया. n इज 4x प्लस 4, x की जगह 21 पुट करो, सॉल्व इट, डू द मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट देन डू द एडिशन, दैट गिव्स यू 88 एज द आंसर. सो द वैल्यू ऑफ r एंड n हैज बीन फाउंड आउट टू बी 92 एंड 88. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. A triangle has been given. There are two altitudes. Altitudes मतलब height. Height is always perpendicular. I have to prove that this quadrilateral W, Z, P, T. I have to prove this is cyclic. And then I have to prove that X, Z, T and Y. They are concyclic. Concyclic मतलब ये सब एक ही सर्कल पे लाई करते हैं. ऑल दीज पॉइंट्स. यू माइट थिंक हाउ डू आई गो अबाउट दिस क्वेश्चन. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. इट्स वेरी सिंपल. इफ आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन, अगर ये इधर का एंगल 90 है, ये भी 90 होगा ऊपर वाला. सिमिलरली अगर ये एंगल टी 90 है तो ये ऊपर वाला भी 90 होगा. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी द सेम बिकॉज 180 डिग्री पूरा होता है, आधा 90 आधा 90, राइट? विच मीन्स angle Z of the cyclic of the quadrilateral WZPT. Angle Z is 90, angle T is 90. If I add the two, I am going to get 180. और अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी quadrilateral में अगर angles supplementary हैं, opposite angles, तो वो cyclic है by converse of quadrilateral theorem. This gives me to the proof that W plus P is Z plus T is 180. पूरा मिला के 360 होता है, तो W और P को मिला के 180 होना चाहिए क्योंकि Z और T ऑलरेडी 180 है. द ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस WZPT इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अब मुझे प्रूव करना है दैट ऑल द पॉइंट्स X, Z, T एंड Y दे आर कॉनसाइक्लिक, मतलब दे लाई ऑन अ सर्कल. इसके लिए आई इमेजिन कि सपोज XY किसी सर्कल का डायमीटर है, तो मैंने एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर है एक्स वाई. अगर ये डायमीटर है देन एट एनी पॉइंट द एंगल दैट दिस विल सबटेंड विल बी 90 डिग्री.
this is the measure of arc ka property that we learned, that semicircle subtend 90 degree angle. So this angle is 90 degree. Similarly, this point T is also subtended by the semicircle. This is also 90 hai, matlab ye semicircle hai, which means all of them are part of a circle that I have drawn. Okay, this is a very theoretical proof. Isme numbers ke saath kuch nahi karna hai, bas aapko apne logic ko words mein likhna hai. Right, so you can see what is written over here. Moving ahead from here, we are done with this chapter. With this, the chapter of circles come to an end. Congratulations everyone for completing it, and have a nice day. Take care.